we will continue with that. Let's see. It's death of a partner, and it is more or less same as of your retirement of a partner. बिल्कुल retirement of partner की तरह है भाई. एक दो टॉपिक ही हैं जो डिफरेंट होंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन व्हाट वी हैव टू डू अंडर डेथ ऑफ अ पार्टनर. डन. सो फर्स्टली यू विल बी कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन यू विल बी इन द नीड ऑफ गेनिंग रेशियो. सो सेम वी आर डूइंग इन आवर रिटायरमेंट एज वेल. देन एट द सेकेंड स्टेप इन रिटायरमेंट व्हाट वी आर डूइंग अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. राइट. तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल होगा जिसमें आप एंट्री क्या करोगे. गेनिंग पार्टनर्स आर टू बी डेबिटेड एंड द डिसीज्ड पार्टनर. जिस बंदे की डेथ हो रही है उसको हम क्वेश्चन में डिसीज्ड पार्टनर बोला करेंगे. राइट. डिसीज्ड पार्टनर याद रखना. डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड एंड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड. राइट. देन वी हैव थर्ड. हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे. यहाँ पे भी रीवैल्यूएशन होगा ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट होगा ऑफ लायबिलिटीज. देन इन रिटायरमेंट वी वर ट्रीटिंग आवर रिजर्व्स इन सरप्लस. यहाँ पे भी उनकी ट्रीटमेंट होगी ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. राइट. अब जो नया पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज द डेट ऑफ डेथ इज नॉट सर्टन, द पर्सन मे डाई इन बिटवीन द ईयर. So in that case, his executor will demand his share of profit from you. Means बाकी के partners को उसके deceased partner के executor को profit में हिस्सा देना पड़ेगा. Then how the share of profit of deceased partner is to be calculated? That is very very important here. Share of deceased partner's profit. This is deceased. E. Deceased partners. Share of profit is to be calculated in this chapter. वहां पे हम retirement के केस में उसे share of profit as such नहीं दिया करते थे. और आमतौर पे retirement साल के end में होती थी. हम ये assume करते थे वो profit में हिस्सा already ले चुका है. ठीक है. अब for example he is dying on 31st May and my books of accounts begin on 1st April. So he has worked for the firm for 2 months. Full fledged year April month and full fledged year May month. So his executors means his nominees means his representatives means his legal heirs. तो चारों में से कोई भी term वो use कर सकता है paper में. They will definitely demand his share of profit. So in that case we will be giving him share of profit for 2 months. Then how the profit is being calculated? क्योंकि साल तो अभी बीता नहीं है. In that case we have certain methods. Sometimes it can be based upon turnover, means पिछले साल की sale को base बना के हम प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकालेंगे, या पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट को बेस बना के हम उसका प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे, या लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बना के. लाइक वी मे अज्यूम व्हाटएवर वी हैव अर्नड लास्ट ईयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी आर गोइंग टू अर्न इन दिस ईयर. सो हमारा डेथ के केस में पहला टॉपिक ही यही है, हाउ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बीइंग कैलकुलेटेड. एज वी आर एस्टिमेटिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, so for that purpose we will be opening profit and loss suspense account. हम एंट्री क्या किया करेंगे उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट की. एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू यस हु इज डाइंग, दैट इज डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दिस इज डीई डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे भाई. और पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. ये तो है अगर हमने प्रॉफिट में उसे हिस्सेदारी देनी है. हो सकता है कि उसकी डेथ से पहले फर्म को लॉस हो रहा है, तो लॉस में उसकी हिस्सेदारी जब देंगे तो एंट्री होगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस वर्ड यू हैव टू कीप योर माइंड एंड वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट पी एंड एल अकाउंट ओनली, बिकॉज वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग एंड एक्चुअल पी एंड एल अकाउंट हैज नॉट येट बीन प्रिपेयर. So whatever estimation we have made, that is based upon last year's either sale or last year's profit. So we have different cases are related to the calculation of profit, and that is the very first topic of death of a partner. So let's begin with that. Right. Now open your books and come at calculation of deceased partner's share of profit.
बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट में हाँ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सेम एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमारी अलग से है. 7.3 पेज पे सेम ही हैज रिटन व्हाट आई टोल्ड यू. P&L suspense account debited to deceased partner's capital account, and in case there is a loss, deceased partner's capital account debited to P&L suspense account. Before I proceed to the next or the calculation of profit, I should tell you that for which amounts my deceased partner is eligible to get from firm. मतलब कौन कौन सी अमाउंट वो फर्म से डिमांड कर सकता है. और इस रेफरेंस में हमारे सिलेबस में या तो प्रेपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिज एग्जीक्यूटर्स है. ठीक है, तो हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, विच वी विल कॉल अमाउंट पेएबल टू द डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. So I'm going to prepare here deceased partners capital account. This account will definitely begin with the opening balance of his capital by balance brought down. और अगर कहीं करंट अकाउंट के बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी यहाँ पे लिख देना बाय करंट अकाउंट. अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो टू करंट अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देना. फिर वो क्या लेके जाएगा भाई, अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा. सो शेयर ऑफ गुडविल के लिए वैसे तो हम गेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल उसे मिलना चाहिए. जब शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है तो P&L सस्पेंस होना चाहिए, दैट इज फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट. अगर वो अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट डिमांड करता है तो इंटरेस्ट वी विल आल्सो बी कैलकुलेटिंग फॉर टू मंथ्स. लाइक इन माय इमेजिनरी एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग दैट द डेट ऑफ डेथ दैट इज DOD इज 31st May. सो जहां पे आपको पर एनम रेट्स दे रखे होते हैं वहां पे आपने मंथ्स वाइज उसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है. समटाइम्स इट कैन बी इन डेज इवन, लाइक ही इज डाइंग ऑन 17th May, तो अप्रैल का पूरा महीना 23 दिन, 17 दिन किसके हो गए, मई के. So he worked in the firm for 47 days. तो हो सकता है वहाँ पे हम calculation 47 days wise करें. 47 से multiply, 365 से divide. So it depends upon the case he gives you in the paper. Done by P&L suspense for the share of profit. अगर revaluation का profit है तो इस तरफ आएगा भाई. अगर revaluation का loss है तो इस तरफ आएगा. अगर partner ने firm को loan दिया हुआ है तो partner's loan to the firm वो इस तरफ आएगा. क्योंकि अब तो उसकी डेथ हो गई है, जो भी हमारे अगेंस्ट उसको लेना है दैट वी विल बी ट्रांसफरिंग टू हिज अकाउंट. और हो सकता है कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हो, देन लोन टू पार्टनर वो इस तरफ आएगा. पार्टनर यही डिसीज्ड पार्टनर, राइट. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इस तरफ आएगा. अगर ड्रॉइंग्स है तो इस तरफ आएगा. लोन टू पार्टनर इधर ही है ना, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. और अगर सिंपल ड्रॉइंग्स दे रखी हैं वो भी इस तरफ ही आएंगी. अगर शेयर ऑफ लॉस है तो P&L सस्पेंस होगा इस तरफ, ठीक है. अगर गुडविल राइट ऑफ कर रही है, पुरानी एग्जिस्ट कर रही है, तो टू गुडविल इस तरफ आएगा. तो कुल मिला के मैक्सिमम ये चीजें होती हैं भाई. इन मोस्ट ऑफ द केसेस योर credit side will be more and you will be getting the balancing figure, and that balancing figure for example deceased partner ka naam M hai, theek hai. So I will be transferring this balance to M's executor's account. Uske legal heir ko hum ye paisa transfer kar denge, aur uske legal heir ko we call in the question executors, theek hai, executor's account. Jab usko payment kar denge to agli entry kya aayegi, M's executor's account debited to cash to bank to BP. अगर आपने बाद में पे करने का प्रॉमिस किया है तो हो सकता है यू आर एक्सेप्टिंग द BP एंड ही इज राइटिंग अ BR फॉर यू, राइट. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, अबाउट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ माय डिसीज्ड पार्टनर, इट्स ऑन पेज नंबर 7.6. रीड इट. जैसे रिटायरमेंट के केस में मैं रिटायरिंग पार्टनर को सर्कल किया करती थी, यहाँ पे मैं डिसीज्ड पार्टनर को सर्कल किया करूंगी. तो देखते हैं कैसे उसने क्वेश्चन फ्रेम किया है. एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 7.6.
जितना अभी तक मैंने बोला या समझाया, अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है, यू मे रेज योर हैंड, यू मे आस्क योर क्वेरी. एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? यस स्टूडेंट्स, कोई डाउट है किसी को? लेट मी कम टू योर स्क्रीन फर्स्ट. यस, पूछना है किसी को कुछ? शुड आई प्रोसीड द वे आई एम टीचिंग? चलिए बेटा जी, आई हैव इन एग्जाम्पल नंबर वन, आई हैव अमन इज टू वरुण इज टू चारू, दैट आर द थ्री पार्टनर्स एंड देयर शेयरिंग इज 5/10, 3/10 एंड 2/10. वरुण डाइड एंड हिज डेट ऑफ डेथ इज वेरी वेरी इंप�हियर, 30th September 2020. और अमर और चारू ने तब क्या डिसाइड किया कि बाद में हमारी रेशियो 1:1 होगी. ठीक है, ये फ्यूचर रेशियो है. चाहो तो दोनों के डिफरेंस से गेनिंग रेशियो निकाल लो, क्योंकि ये गुडविल का टॉपिक नहीं है. गेनिंग रेशियो एज सच मेरे को चाहिए नहीं. ठीक है, पूछा क्या है? इन टर्म्स ऑफ डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड एज ऑन 30th September 2020. Profit for the year up to 2020 was determined 9 lakh. Pass journal entry distributing the profit for the period of 6 months ended 30th September. कहता हमारे डीड में लिखा है कि हर साल हमने बुक्स ऑफ अकाउंट 30th September को ही बनाने हैं, तो हमारे लिए इजी है. वही आपकी क्लोजिंग डेट है और वही डेट ऑफ डेथ है. इट मीन्स कि इस केस में यू आर नॉट मेकिंग एनी एस्टिमेशन. Directly you are dividing your profit and that share of my deceased partner you are also giving to him. Entry क्या बनेगी यहाँ पे? P&L suspense नहीं होगा, P&L appropriation ही होगा, because the closing date of your books of account is in itself 30th September and that is same as of your date of death. ठीक है, that's why the point is important. So I will be transferring it to profit and loss appropriation account. Debited. Done. तीनों को दे दीजिए उनका प्रॉफिट में हिस्सा. टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू बरुन्स कैपिटल अकाउंट. हाँ, दिस इज टू चारूस कैपिटल अकाउंट. डन. सो ही हिमसेल्फ टोल्ड अस इन द क्वेश्चन दैट द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म फॉर 6 months, 6 महीने का प्रॉफिट है. क्योंकि P&L appropriation की preparation के लिए कोई hard and fast rule नहीं है कि आपने साल के end में बनाने. Any time when you feel convenient, you feel that it is required, you can prepare it. So 6 months के लिए उसने क्या बनाया? P&L appropriation बनाया, 5/10, half हो गया, 450, 3/10, 270, 2/10, 180. So this is the way we divided the profit among all the partners, including my deceased partner. अब एस्टिमेशन वाले केसेस हैं स्टूडेंट्स. लेट्स रीड इलस्ट्रेशन नंबर टू. देखना वहां पे फॉर्मूला कैसे लगेगा. हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड व्हेनेवर यू आर मेकिंग द एस्टिमेशन यू हैव टू ओपन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. माइंड इट. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू पढ़िए. रीड एग्जाम्पल नंबर टू. This time I have Raman, Daman and Karan. 3/6, 2/6 and 1/6. Daman died. Major partner is dying. His date of death he has given 30th June. Is the 6th month? 21. Raman or Karan ne decide kiya. वैसे तो डेथ पे बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, इवन रिटायरमेंट पे भी क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली. लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन इस ढंग से फ्रेम किए गए हैं, वी ऑलवेज अज्यूम दैट अदर पार्टनर्स दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस. तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, दमन की डेथ के बाद फर्म को बंद करने के बारे में नहीं सोच रहे हमारे बाकी के पार्टनर्स रमन एंड करण. दे जस्ट डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द फर्म. डन. शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग.
अब बिगिनिंग कब होगी उसने लिखा होगा, व्हेन द अकाउंट्स आर बीइंग क्लोज्ड। अच्छा उसने चलो ना भी दे हमें तो उसने लिखा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज डिटरमिंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब कहता हमने ये मान के चलना है कि जो हम लोगों ने दामन को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया ना है, हम ये मान के चलेंगे कि इस साल वही प्रॉफिट होगा जो पिछले साल इन दिनों में था। तो पिछले साल का इन दिनों का मतलब अप्रैल से लेके जून तक का प्रॉफिट कितना था, 360,000। अब देखना मैं क्या क्या करूंगी इसे। दिस वॉज द होल प्रॉफिट फॉर द होल फर्म। मेरे को दामन के शेयर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, दैट्स इट। और मैं मंथ्स से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रही, अदरवाइज आई नीड टू कैलकुलेट इट फॉर 3 months, अप्रैल मई एंड जून। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही, बिकॉज उसने बोला है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ, इट मींस कि इट इज ऑलरेडी ऑफ 3 months। पिछले साल इन 3 महीनों में हमारा प्रॉफिट 360,000 था, तो 60 पे गया, इट कम्स टू मी 120। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डेथ 2/6 ही है ना, 1/3, तो 120 ही बनना। हाउ ही हैज कैलकुलेटेड इट, वॉज टू बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ओके, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट है भाई, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट मीन्स पूरे साल का है ये, ठीक है, ये पूरे साल का मैंने शेयर कर दिया। अब टाइम पीरियड से भी मल्टीप्लाई करूंगी एंड टाइम पीरियड इज 3 months, दैट्स व्हाई ही इज कैलकुलेटिंग 30। कहता हम लोगों ने लाइन दोबारा से पढ़िए, लेट मी क्लैरिफाई दिस लाइन टू यू। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी डिटरमिंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। कहता फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ हम लोगों ने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के, एम राइट। जब पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के बनाना है तो उसने जो पिछले साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है दैट इज 360, इट मींस कि दैट इज फॉर द होल ईयर। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद टाइम, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद शेयर। हियर आई मल्टीप्लाइड विद टाइम, हियर आई मल्टीप्लाइड विद शेयर। आप इकट्ठा यहाँ पे भी 3/12 कर सकते, ठीक है, बिकॉज आई अज्यूम्ड फर्स्टली इट इज इन इटसेल्फ फॉर 3 months। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि वो खुद उतने टाइम पीरियड का ही हमें प्रॉफिट देगा, तो क्या एंट्री आएगी बेटे, बिकॉज वी आर एस्टिमेटिंग इट, दिस इज नॉट माई एग्जैक्ट प्रॉफिट, दिस इज नॉट माई रियल प्रॉफिट। एंट्री बनेगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू दमन्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 30,000। डन, सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 3 एवरीवन। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ। Read it. This time we have again 3 partners. Sanjay, मान लो 2 partner हो, एक की death हो जाए, फिर partnership automatically खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक अकेला बंदा तो sole proprietorship firm run करेगा। यहाँ एक की death होने पे, मान लो 2 partner है, एक की death होने पे जो remaining partner है किसी और की admission करवा लेते हैं, and admission and death दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। Otherwise once we have 2 partners and one is dying, the firm will automatically come to an end because the single person can't run the partnership firm. Sanjay, Ajay and Karan. 3/6, 2/6 and 1/6. So Karan died. His date of death is July is a 6th, 7th month. संचय एंड करण ने डिसाइड, संचय और अजय ने डिसाइड किया कि हम बिजनेस चलाते रहेंगे। अब देखो क्या कहानी डाली है उसने, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिटरमिन्ड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर में इन दिनों में लॉस हुआ भाई, दैट इज 180, तो दिस इज फॉर द होल ईयर। मेरे को कितने मंथ्स का उसे लॉस में हिस्सा देना है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 months। वैसे ना इसको एक लाइन लिखनी चाहिए थी दैट द अकाउंट्स आर बीइंग क्लोज्ड ऑन 31st March, ठीक है, जनवरी में भी तो हो सकता है ना, दिसंबर तक भी हो सकता है, ही इज नॉट मेंशनिंग दैट थिंग। तो 4 months, रिपीटिंग, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का हिस्सा, और करण का शेयर कितना है, 1/6, 3।
16, 10. देखो 10,000 है लॉस, ये लॉस है बेटे। जब लॉस की एंट्री है तो क्या करनी है हमने, करंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, करंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड दैट कम्स टू अस 10,000. नरेशन चेक करो, बीइंग करंट शेयर्स ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी फोर्थ इलस्ट्रेशन, लेट्स सी व्हाट एक्स्ट्रा और डिफरेंट स्टोरी ही हैज पुट इन द फोर्थ इलस्ट्रेशन। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ईदर बी आस्क्ड इन वन मार्क और लेंथी क्वेश्चन। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि सीबीएसई का सैंपल पेपर आया तो डेथ का क्वेश्चन उसने 3 नंबर में पूछा है, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल सो दैट यू कैन गेट फुल ऑन फुल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। फोर्थ में आओ, लेट्स सी फोर्थ। सो दिस टाइम अगेन वी हैव 3 पार्टनर्स, राम, मनोहर एंड परम। So Param died, students, and he died on 29 February 2001. Okay, up 29 February 2021 means April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. 11 महीने वो firm में है। सिर्फ वो कौन सा साल, कौन सा महीना नहीं है, मार्च का महीना नहीं है। Again, I am assuming that the firm is considering financial year, though he should mention when the accounts are being closed. Okay, his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of 3 years average. Average आपको निकालनी आती है, पिछले 3 सालों की average profit निकाल लेना। 80 plus 90 170 170 plus 1 lakh 270. So average profit मैंने निकाला 90,000 बना students, ये पूरे साल का है। मेरे को 11 मंथ्स का निकालना है, इनटू मेरे को फर्म का शेयर भी देखना है एंड कैलकुलेट फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। कुछ नहीं कहा स्टूडेंट्स शेयरिंग के बारे में, दे आर इक्वल पार्टनर, ठीक है जी। सो दिस इज 30, अब 330 12 से डिवाइड करना है। देखो जरा इसने कितनी कैलकुलेशन करी है, 11 मंथ्स का ही कैलकुलेशन किया है। ठीक है, 12 पे करें, 12 2 24 9 12 7 84 6 12 5 60, पीछे 2 0, बिल्कुल ठीक है। 27,500, चाहे ये केस हो चाहे उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, दोनों में फर्क पड़ेगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तो गेनिंग अलग से आएगी। पहले केस में एंट्री क्या होगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परम्स कैपिटल अकाउंट। देखो यही लिखा है, हाँ, व्हेन द रेशियो चेंजेस, तो वो भी पहली एंट्री सेम है, पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर हम क्या करते हैं, यस, इसके बारे में ना पीछे पहले थ्योरी देखो, पेज नंबर 7.4 पे टॉपिक, मेरे को लगा था ये यूज नहीं करेगा क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड। हाँ, 7.4 पेज पे थ्योरी सेकंड पॉइंट लिखा है, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंज, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, डेथ के बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो गेनिंग रेशियो निकालना हमारी ड्यूटी है। उसने क्या बोला, उस केस में क्या करना, पहले तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर ही करना और उसके बाद गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करके पीएनएल सस्पेंस को क्या करना है, क्रेडिट। लेटर द बैलेंस ऑफ पीएनएल सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द गेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। देखो इसने भी यही किया, पीएनएल सस्पेंस को क्लोज करा है, यस। तो गेनिंग पार्टनर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, अर्लियर दे आर इक्वल पार्टनर एंड नाउ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2,
ठीक है, तो हम गेन निकालेंगे किसका, राम्स गेन, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड इज 1/3, देन मनोहर्स गेन 2/5 माइनस 1/3, दैट इज 15, 9 माइनस 5 दैट इज 4/15, अगेन 15, 6 माइनस 5 दैट इज 1/15, सो द गेनिंग रेशियो इज 4:1. तो 27,500 को 4:1 में उसने क्या कर दिया, डिवाइड, और एंट्री क्या बनी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट, 4:1 ही है. हाँ, नीचे उसने नोट्स में भी थर्ड में लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड मनोहर एग्री टू बी 3:2, सो परम शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड बिटवीन राम एंड मनोहर इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज कैलकुलेटेड. कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे. वेन एवर द रेशियो कम्स इन द क्वेश्चन एंड दैट गेट्स चेंज्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, तो गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेशन देंगे बेसिकली. गुडविल की तरह ही ट्रीटमेंट हुई, तो हम एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी तो कर सकते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर इज नो नीड टू ओपन योर P&L सस्पेंस अकाउंट. फिर P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर आप P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हो और पहली एंट्री आप करते हो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सेकेंड आपको क्या करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट. लेट्स सी फिफ्थ, ईच एंड एवरी केस इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन. And the topic we are covering today, that is share of profit at the time of death of a partner. Let's proceed to the fifth illustration. Fifth padho. Amar, भुवन एंड चमन 3/6, 2/6 एंड 1/6. भुवन इज डाइंग, हिज डेट ऑफ डेथ इज 30th June, अगेन इट्स 6 months, सो अप्रैल, मई और जून. इफ द बुक्स आर बीइंग क्लोज्ड ऑन 31st March, अप्रैल से लेके जून तक 3 महीने की हम कैलकुलेशन करेंगे. लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, लॉस हुआ है भाई इस बार, तो उसने खुद ही टाइम पीरियड वाइज दिया हुआ है. अब इसको टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला टिल द डेट ऑफ डेथ. अमर और चमन ने डिसाइड किया कि हमारी रेशियो ये होगी. फिर से रेशियो चेंज है, ठीक है, पहले लॉस का शेयर निकालो. और भुवन इज डाइंग 2/6, लॉस का शेयर आएगा 60,000, एम आई राइट? मैंने इस बार टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया भाई. एंड दिस इज लॉस, शेयर ऑफ भुवन्स लॉस. क्यों नहीं मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ही हिमसेल्फ सेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, ऑलरेडी उसने 3 महीने का ही मेरे को लॉस दिया है, भुवन्स लॉस. तो जब किसी पार्टनर को लॉस होता है उसकी डेथ पे, तो हम उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, भुवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट. क्योंकि रेशियो चेंज है, गेनिंग पार्टनर अब डेबिट नहीं होंगे, गेनिंग पार्टनर अब क्रेडिट होंगे, ठीक है. अगर प्रॉफिट हो तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं, अब गेनिंग पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट. लेकिन बिफोर आई प्रोसीड आई नीड टू कैलकुलेट देयर गेनिंग रेशियो. This is their new ratio. Done. So I am going to calculate Amar's gain here. Amar's gain. New. 3/5 minus 3/6. What about Chaman's gain? 2/5 minus 1/6. So here it is 30. 18 minus 15. 3/30. It is again 30. 12 minus 5. 7/30. So their gain is 3:7. 3:7 को डिवाइड करिए 3/10, 18 और 42. ठीक है जी, अगली एंट्री क्या आएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल टू चमन्स कैपिटल. गेनिंग पार्टनर्स में लॉस को हमने राइट ऑफ कर दिया,
Bhuvan's shares of loss adjusted to Amar's and Chaman's capital in their gaining ratio. Or you can pass a combined entry whereby Bhuvan is to be debited and the gaining partners are to be credited. Okay. So hereby we have discussed the calculation of share of profit once it is based upon profit of the last year. Okay. During the same tenor or tenure. Now he will be taking the base of your sale. Turnover basis ke upar profit kaise nikalte hain? Ratio analysis ka formula lagega bhai. Profit divided by sales into 100. We will be calculating the net profit percentage. And accordingly, we will be calculating the profit. That we will pick tomorrow. Tomorrow means day after tomorrow. Tomorrow is Sunday. Right? So Monday, we will be continuing with this topic. Bas main calculation yahan pe share of profit ki hai. Rest all the things are same as of your what we say, this is retirement. ठीक है, एक last वाला मेरे को 37 का section बताना होता है, that is important. और उसके बाद we will start resolution. Resolution पूरा हमारे syllabus में है. मेरे को लगता नहीं है कि memorandum balance sheet नहीं है, so that topic only we will leave from that chapter. Otherwise resolution पूरा हमारे syllabus में है. ठीक है, so don't miss the classes, be regular. एक कॉमर्स ओलंपियाड के बारे में कब का बोला हुआ है, मौलिक हैज गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड. अगर रजिस्ट्रेशन में किसी को प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉल हिम एंड गेट गाइडेंस फ्रॉम हिम. राइट, इट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन एंड डेट्स आर एक्सपायरिंग.